तो बीजेपी ने रविवार को गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एक फिल्म जारी की। इस फिल्म में वाड्रा पर राजस्थान और हरियाणा में करोड़ों की जमीन कौड़ियों के मोल कब्जाने का आरोप लगाया। इसके जवाब में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बौखलाए चूहों की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया है। प्रियंका ने कहा कि वो ऐसे आरोपों से डरने वाली नहीं है। ये भारत देश है, इसे चलाने के लिए 56 इंच के टीने की जरूरत नहीं है। इसे चलाने के लिए दरिया जैसा देश चाहिए। तो अगर हमारे सशक्तिकरण की बात कर रहे हो तो हमें बताओ हमें किस तरह से सशक्त करोगे, और अगर हमारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हो तो बंद कमरे में हमारे फोनों में फोन मत सुनो। इस देश में जमीन से जुड़े हुए नेता तो कई हुए हैं, पर जमीन से जुड़ने का एक अलग स्टाइल अगर किसी ने निकाला है तो वो है दामाद श्री रॉबर्ट वाड्रा। हम भी यही जानना चाहते हैं कि किस मॉरल स्ट्रेंथ की बिना पर रॉबर्ट वाड्रा ने अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। बीजेपी ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे जोरदार हमला बोला। इस हमले की जद में सीधे गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा हैं। बीजेपी ने बाकायदा दामाद श्री नाम से एक सीडी जारी की। सीडी के जरिए बीजेपी ने आरोप लगाया कि रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ ही सालों में हरियाणा और राजस्थान में करोड़ों की जमीन हथिया। इसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों और भ्रष्ट अधिकारियों ने उनकी मदद की। गांधी परिवार से इस पर सफाई मांगते हुए बीजेपी ने आरोप लगाया कि उनकी छत्र छाया के बगैर ऐसा नहीं हो सकता था, लिहाजा उन्हें इस पर अपना रुख साफ करना चाहिए। गांधी परिवार के एक सदस्य ने बात की है मोरल स्ट्रेंथ की, बात की है लार्ज हार्ट की, तो आज हम भी यही जानना चाहते हैं कि किस मोरल स्ट्रेंथ की बिना पर रॉबर्ट वाड्रा ने अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। चुनावी बयानबाजी से इतर पहली बार रॉबर्ट वाड्रा पर बीजेपी के इतने सदिवार से कांग्रेस सख्ते में थी। बड़ी देर तक कोई नेता मामूली प्रतिक्रिया देने भी सामने नहीं आया। रायबरेली में मां के लिए चुनाव प्रचार कर रही प्रियंका तक भी ये खबर पहुंची और प्रियंका ने उतने ही आक्रामक अंदाज में पलटवार किया। बौखलाए हुए चूहों की तरह दौड़ रहे हैं। मुझे मालूम था कि चुनाव के एक दो दिन पहले इनके झूठों का सिलसिला दोहराया जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं है। और इनको करने दीजिए, जितना करेंगे उतना, जितना करना चाहें करें, मैं इनसे नहीं डरती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती हूँ, और मैं इनकी विनाशक और नकारात्मक और शर्मनाक राजनीति के खिलाफ बोलती रहूंगी, मैं चुप नहीं होंगी, और करें, मैं इंतजार कर रही हूँ। अब तक बीजेपी प्रियंका गांधी को निशाना बनाने से बचती रही है। इसकी वजह प्रियंका का अमेठी रायबरेली तक सिमटे रहना, लेकिन सूत्रों की माने तो मोदी पर प्रियंका के लगातार हमलों से बीजेपी तिलमिलाई हुई। उसके नेताओं को लगता है कि राहुल और सोनिया के मुकाबले प्रियंका के हमले धारदार हैं, लिहाजा रॉबर्ट वाड्रा पर पार्टी इस तरह आक्रामक हुई। एहतेशाम खान, दिल्ली, IBN से। और इस प्रकरण से पहले आज रायबरेली में प्रियंका ने एक और बयान दिया। चर्चा पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उन पर जाने से पहले ये बयान भी सुनते हैं। ये भारत देश है, इसे चलाने के लिए 56 इंच के टीने की जरूरत नहीं है। इसे चलाने के लिए दरिया जैसा देश चाहिए। इसे चलाने के लिए अपनी क्षमताओं का खोखला बाहरी प्रदर्शन नहीं, एक भीतरी दृढ़ता चाहिए।